दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, लेकिन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया है। इस पूरी प्रक्रिया में एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी के गले लगकर रोते हुए दिखा, जिनका नाम है के सिवन। ये वो आदमी है जिसने उस कारनामे को अंजाम दिया जिसे करने की कोशिश दुनिया में अब तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। हालांकि ये अलग बात है कि वो आदमी अपनी कोशिशों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने और उसकी टीम ने जो किया है उसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है। के सिवन के इसरो चीफ बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था, उनके संघर्ष की कहानी बेहद लंबी है। के सिवन का पूरा नाम है कैलाशावादिवो सिवन। ये कन्याकुमारी में पैदा हुए, गांव का नाम था सड़क का विलाई। सिवन का परिवार बेहद गरीब था, इतना कि के सिवन की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वे गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 8वीं तक वहीं पढ़ाई की। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर निकलना था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। के सिवन को पढ़ने के लिए फीस जुटानी थी और इसके लिए उन्होंने पास के बाजार में आम बेचना शुरू कर दिया। इसके बदले उन्हें जो पैसे मिलते उससे वो अपनी फीस चुकाते। इसरो चेयरमैन बनने के बाद के सिवन ने अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत के दौरान बताया था, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे बड़े भाई ने पैसे न होने की वजह से मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी। मेरे पिता कैलाशावादिवू एक किसान थे जो पास के बाजार में आम बेचा करते थे। मैं भी साइकिल पर आम लेकर जाता था और उसे बाजार में बेचकर अपनी पढ़ाई की फीस चुकाता था। आम बेचकर पढ़ाई करते करते के सिवन ने इंटरमीडिएट तो कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए उन्हें और पैसे चाहिए थे। पैसे ना होने की वजह से उनके पिता ने कन्याकुमारी के नागर कोयल के हिंदू कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया, और जब वो हिंदू कॉलेज में मैथ्स में बीएससी करने पहुंचे तो वो सिर्फ चप्पल और धोती कुर्ते में थे। इससे पहले के सिवन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए चप्पल खरीद सकें। सिवन ने पढ़ाई की और अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट बने। वे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आए और फिर उनका मन बदल गया। अब उन्हें मैथ्स नहीं साइंस की पढ़ाई भी करनी थी, और इसके लिए वो पहुंच गए MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां उन्हें स्कॉलरशिप मिली और इसकी बदौलत उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बीटेक करने के बाद के सिवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, और जब के सिवन IIS बेंगलोर से बाहर निकले तो वो एरोनॉटिक के बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। बाद में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। PSLV प्रोजेक्ट की टीम में उन्हें पहला काम मिला। के सिवन ने रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे नाम दिया गया सितारा। उनका बनाया सॉफ्टवेयर बेहद कामयाब रहा और भारत के वैज्ञानिक जगत में इसकी चर्चा होने लगी। इस दौरान भारत के वैज्ञानिक PSLV से एक कदम आगे बढ़कर GSLV की तैयारी करने लगे। GSLV यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18 अप्रैल 2001 को GSLV की टेस्टिंग की गई, लेकिन टेस्टिंग फेल हो गई क्योंकि जिस जगह पर वैज्ञानिक इसे पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाए। के सिवन को इसी काम में महारत हासिल थी। GSLV को लॉन्च करने का जिम्मा उन्हें दिया गया और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। इसके बाद से ही के सिवन को इसरो का रॉकेट मैन कहा जाने लगा। इसके बाद के सिवन और उनकी टीम ने एक और प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब कि लॉन्च व्हीकल से एक बार सैटेलाइट छोड़े जाने के बाद दोबारा उस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सके। अभी तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हो पाया था। के सिवन की अगुवाई में भारत के वैज्ञानिक इसमें जुट गए थे। इस दौरान के सिवन ने साल 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली और फिर इसरो में लॉन्च व्हीकल के लिए ईंधन बनाने वाले डिपार्टमेंट के मुखिया बना दिए गए। एक साल से भी कम समय का वक्त बीता और के सिवन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मुखिया का पद दे दिया गया। वो स्पेस सेंटर जिसका काम है भारत के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्हीकल यानी रॉकेट तैयार करना। वहां अभी के सिवन का एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उस वक्त के इसरो के मुखिया AS किरण कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया, और फिर 14 जनवरी 2015 को के सिवन को इसरो का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। खाली वक्त में क्लासिकल तमिल संगीत सुनने और बागवानी करने वाले के सिवन को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनकी अगुवाई में इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। ऐसा करके इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद इसरो का सबसे बड़ा मिशन था
चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर को चंद्रयान दो हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा था ऑर्बिटर, जिसने चंद्रमा के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दूसरा हिस्सा था लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया था। इसे 6 और 7 सितंबर की रात चांद की सतह पर उतरना था। सब ठीक था कि अचानक संपर्क टूट गया और फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा। ये सभी के लिए एक भावुक पल था। इसरो चीफ पीएम मोदी के गले लगकर रो पड़े। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया, लेकिन ये के सिवन हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी बहुत परेशानियां झेलकर कामयाबी हासिल की है और अब एक बड़ी कामयाबी से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भारतीय एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।